इतने इतने बड़े दो उंगलियों के नाखून थे उनके, तो उनका पंजा कैसा होगा समझे? तो फिर वो दे दिए और जब साफ हो गई बिल्कुल, फिर हुजूर को बुलाया, हुजूर अब कोई गुफ्तगू नहीं, कोई लंबी चौड़ी कलाम नहीं, कोई बातें करें ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो हुजूर इनकी रान पर रख के सर रख के, ये कोई है बात ऐसी? लेकिन आका जानते थे, आका को तो सुकून था है कि कोई क्या करेगा, मुसलमानों जो नबी के गुलामों 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 के जय हर कर्मा वाला कहा जाओ किसी ने कहा ये बताओ कि कैसे आया तू, कोई ऐसा करो मानता नहीं था हुजूर के रूप के बारे में, कहा मैं मसले पूछ रहा हूँ एक दो है? तो आप लोग क्या मसला का हुजूर के रूप में गए था कि नहीं? तो हजरत कर्मा में छका इमाम रब्बानी शेर यजदानी हजमी शेर मुख साहब रहमतुल्लाह जिनको पुर कर दिया था, आफ्ताब बना दिया था, उनकी नजर कर्म थी इन पर। तो हजरत कर्मा ने फरमाया अच्छा हुजूर के रूप में पूछ रहे हाँ जी, और जी मैं वसीले के बारे में पूछता हूँ, मैं वसीला जायज है कि नहीं? तू नबी के इल्म के बारे में पूछता है, अगर मैं नबी पाक के गोले आता 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 गोला तेरू दसा तो तू मन नहीं? वो अहले हदीस था कोई गैर मुखल्लिफ था, उनका हाजी बनू उन्होंने कहते जे तो तू कहो ड्रिया से तू एलिए तो नहीं सीखी तू के मैं करमाले जावागा ते मसला पूछागा इस बार शादी ते जुमा पढ़ागा अपनी मसीह दे जाके, ये तो ख्याल नहीं सीखी था? हाँ जी ख्याल तो जी मेरे को नहीं था जी, तेरा मसला हल हो गया कि तू नबी पाक की तरफ बैठा है फिर अजी मसीह दे रहा। उन्होंने कहा अच्छा नहीं कुरान पाक पढ़ो भाई बेटी हो कोई कुरान लाया, उनके शुरू से पढ़े नहीं, अब ये ऐनक से पढ़ सकता था वैसे पढ़ नहीं सकता था, इसने जेब में से ऐनक निकाली ऐनक लगा के पढ़ने लगा। तो हजरत ने फरमाया ओए उमे पढ़ना ऐनी में पढ़ नहीं सकता, तो होने के पर वसीला की होना है ऐनक वसीला नहीं होने के लिए समझा दो में मसले के लिए समझा। तो मैं जो कह रहा था कि उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों गुलामों का यह हाल है, अल्लाह वाले ऐसे ऐसे वली हुए कि कहा अगर मैं चाहूं तो आसमान और जमीन को ऐसे दे ऐसे बिठा दी। नाराए तकबीर नाराए रिसाले साने औलिया, ये उनको खुदा ने कुवत दी है। और फरमाया हुजूर बाद में फरमाया हदीस में कि रुब आशा सा मदफूइन बिल अबवाब है, रो यूं भी है कि रुब आशा सा अलबरा मदफून बिल अबवाब है लव अक्षम अल्लाह है ला बरहू, कि अल्लाह ताला के बहुत से खाकालून परेशान बार ऐसे बंदे भी अल्लाह के मौजूद हैं जो तुम्हारी तुम्हारे दरवाजे के आगे आ जाए तो तुम उनको धक्का दे के निकाल दो भाई बाबा चला जाते चल। लेकिन उनका हाल ये है कि लव अक्षम अल्लाह है ला बरहू, अगर वो आसमानों के टोटे करने की कसम खा ले किसी चीज की भी कसम खा ले तो उसको पूरा करके दिखा दे। जब उनकी शान ये है तो फिर हुजूर पाक कैसे गंभीर हो सकते हैं, वो किसी का तुझन पहुंचा सकते सो गए हैं आप जनाब? ये सब राज की बात है, उनके इलम में था सारा मामला ताकि पता चले मेरे यार पहले जी उन्होंने ले गए तो दुश्मन सी बना, दुश्मन ने नाल ले जाना कोई जान पे बनी हो और दुश्मन को साथ लेता है, साथ उसको लेता है जो सब में जानी जान हो जान साथ करने वाला हो, इसलिए हुजूर ने यार कर दिया औरों को नहीं दिया मुझे भी कैसे रखू फिर तू सोचा दी तू मेरे नाल चल। लेकिन हुजूर जानते थे कि उसकी शान को ही है इसकी शान उनके जिम्मे लगा है, ये वो जो कर्जे है जो हकीकी अमानत है हमारे पास, दुश्मनी भी करते थे कतल भी करना चाहते थे और देखो तमाम अमानते भी हुजूर के पास रखते थे कि इससे बढ़कर अमीर कोई नहीं। ये अमानत हो दयानत हो सदाकत का पैकेट है। तो मेरे नबी के गुलामों खुरा लगा दिया फिर भी आ गए खोजी ले आया अल्लाह की कुदरत के वहां कीकर का दरख्त कीकर का दरख्त की शाखें ऐसे घूम आगे जमा हुए और उन्हें मकड़ी आके पकड़े जाला तन के और कबूतरी ने अंडे दे दिए। अब वो आए तो
बुराई के हाथ तक पहुंचे, वो चीज भी देखो। हालांकि ये मिटा के चले गए हैं लेकिन पहुंच गए, कहा यहाँ खुरा यहाँ आ रहा है। तो इसके अंदर देखो, उन्होंने कहा पागल अब कैसे देखो, वही तो जो मकड़ी ने जाला दिया हुआ है, तो कुरान ने तो इसको सबसे कमजोर घर कहा है मकड़ी का, ये जाला रहता ये अंदर जाते और ये अंडे बचते जो अंडे भी लिए कबूती और फिर ये शाखे सारी मुंह क्या गया है। अब ये देखो तो जा रहे घर देख रहे कि अगर ये झांक पड़े या किस तरीके से हुजूर पाक को तकलीफ पहुंच गई, तो एक तो ये बात और एक जो सांप ने वो डग लगा रहा है बार बार बार, लेकिन हटा नहीं टकरे मार रहे, वो मुंतज से ज्यारत का हुजूर की जात का मुंतज है, उसके बारे में लिखा कि वो मुंतज हुजूर की जात, तो पहले टकरे मारता रहा कि पांव हटा ले, लेकिन जब पांव ना हटाया तो फिर सांप ने भी सोच लिया और अगर जहर इनको जाएगा तो तेरी आग भी तो झोल में मौजूद, मैं तो महरूम ना रहूं। तो उसे डंग मारा लेकिन डंग की वजह से भी पांव नहीं हटाया, अल्लाह अकबर। लेकिन जबाने हाल से कह रहे थे काले हैं, अगर तू मेरी जान भी खत्म कर दे तो मैं सिस्की भी ना, सिस्की भी ना लूंगा, वफादार घर खत्म। हाँ वो कह रहे घर खत्म मेरी जान मेरे जिस्म को कर दे, घर खत्म मेरे जिस्म मेरी जान को तू कर दे, सिस्की भी न लूंगा वफादार नबी हूँ। ओ काले काले तू मारता रे डंग, मैं सीर ही नहीं करूंगा क्योंकि वफादार नबी हूं। जब उससे कतरे हुजूर के ऊपर आंसू का कतरे ऐसे हुजूर का सोना कहाँ था, वो तो आंखें बंद थी, ये याद रखना हुजूर ऐसे नहीं सोते थे जैसे हम तो सो रहे हैं। बुखारी में है मुतअद्दद कुतुब हदीस में है कि तना वाय नैया बला यदाम कल्बी, हुजूर की आंखें सोती हैं दिल नहीं सोता। आंखें कहा मेरे यार क्या बात है, मुसलमानों क्या शांति का आका, अगर ये देख भी नहीं हम तो और ये अंदर आ गए तो हम कैसे कहां से निकलेंगे। तफसीर रूल में उठा के देखो, इन दिन द खजू मिन्हा होना खर्च ना मिन्हा, मेरे यार अगर ये इधर से आएंगे तो हम इधर से निकल जाएंगे। क्या हुजूर ने दिखा दिए क्या, देख ऐसे बारिश नजर आई और उसमें जो निकले तो आ गए समुंदर, निरा समुंदर है कार उस कार के करीब जो चाहते हो कार इस और पे, तो फरमाया नहीं लाए ताकि ये बंद देखे लग रहा है ऊपर का चल रहा है बंद ऊपर को चला ऊपर का चला दे यार यार अल्लाह तकबीर अल्लाह अकबर अरे निशान अल्लाह अल्लाह तो सूरह अल निशान खैर देखा किश्ती खड़ी है समुंदर है, हैरान हो गए काबू प्यास पड़ी लगी हुई, तो आपने बड़ा देखे चश्मा नहीं सामने हार भी ये भी जैसे भूल बैठ मेरे कुतुबखाने में मौजूद है, यार का उठे तो ओ शीर ठंडा मीठा शरबत की तरह मीठा चश्मे का पानी पिया और सीरा हो भाई, अल्लाह ताला ने सब कुछ मुहैया फरमा दिया मेरे नबी के बुला दो वो वापस हो गए कि भाई नहीं इसमें नहीं। तो ये है यारेगा, तो यहाँ बड़ी बड़ी और बातें हैं लेकिन अंदाजा करो कि वो जो इतना ऊंचा कार है वहां देखा तो सब आगे इधर से आएंगे हम इधर निकल जाएंगे, लेकिन मेरे यार तू डरता क्यों है, दो हम हैं वो तीसरा अल्लाह है हमारे साथ। ये नहीं कहा ला तहजन इन अल्लाह मई मई का माना मेरे साथ, बल्कि फरमा माना हमारे साथ जमीन जमा मुतकल निमाल खैर की जमीन ला के हुजूर फरमा मेरे यार मेरे भी साथ रहो तेरे भी साथ रहो हमारे दोनों के साथ रहो, तो जिसके साथ रहो उसके साथ का क्या मकाम होगा। मेरे नबी मुकर्रम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों एक दफा हज हैदर का
قبرستان کو عذاب ہو رہا تھا اور آپ کو بڑا ترس آیا، کھڑے ہو گئے اور توجہ دی، دعا کی لیکن عذاب رفع نہیں، چلے گئے. واپس جب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبرستان میں پہاڑ لگی ہوئی ہے. او ایش کر رہے قبرستان والے، تو عذاب عذاب تو قابو ہو گئے. تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا ایسا معاملہ ہوا، آپ کا فرمان تو یہ ہے کہ کوئی عالم دین بابر ہو تو گناہ گاروں کے قبرستان سے گزر جائے تو 40 سال تک تو ان کا عذاب موقوف ہو جاتا ہے. تو میرے آقا میں نے توجہ دی، دعا کی، لیکن عذاب رفع نہیں ہوا. لیکن جب میں آیا تو پھر ان کو بڑے ایشو پایا. تو یہ اس کی کیا وجہ؟ تو میرے آقا نے فرمایا، میرا علی تجھے پتا ہے کیوں ایسا ہوا؟ کہا اللہ و رسول ہوا. صحابہ کا تکیہ کلام یہ ہوتا تھا کہ اللہ و رسول ہوا، کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی زیادہ جانتا ہے. کہا میرے علی، وجہ یہ تھی کہیں میرے یار غار ابو بکر صدیقی داڑھی کا بال اڑتا ہوا اڑتا ہوا اس قبرستان میں پہنچ گیا. اس بال کے صدقے نے اللہ تعالیٰ عذاب کاٹ دیا. میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان جن کی یہ شان ہو، ایک نابینا حضور کے صحابہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور نابینا نے کہا، اے میرے نبی کے غلاموں، اے میرے نبی کے پروانوں، میرا ایک سوال ہے، کوئی پورا کر لے نبی کا غلام؟ کہا بول بھائی. تو ایک شخصیت کھڑی تھی، آ بھائی جی بتا کیا تیرا سوال؟ انہوں نے کہا جی میرا سوال یہ ہے کہ میری جوان بیٹی ہے، میں نے اسے شادی کرنی ہے، میرے پاس پیسہ ہے، تو اتنا کوئی پیسہ دے دیا جائے. تو جو شخصیت کھڑی تھی اس نے کہا، اچھا بھائی میرا سوال پورا ہو، جتنا پیسہ ہوگا میں دوں گا. انہوں نے کہا، نابی نے کہا کہ میرا ایک سوال اور ہے، سوال تو میرے تین ہے، میرے ایک اور. کہا کہ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ نبی کا واسطہ دے کے میں تمہیں کہتا ہوں کہ یار غار کی داڑھی کو میرا ہاتھ لگوا دے، میں ان کی داڑھی کو ہاتھ لگانا چاہتا ہوں. تو جو شخصیت کھڑی تھی اس نے کہا، اے نابی نے مجھے ہی تجھے سمجھ لے، یار غار مجھے سمجھ لے. وہ سمجھ گیا کہ ہاں یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسے داڑھی پکڑی، کہا اب یار تیسرا سوال میں خود کرتا ہوں، داڑھی پکڑ کے. اور اس نے کہا، یا اللہ یہ تیرے یار کے یار کی داڑھی ہے، مجھے اس داڑھی کے صدقے آنکھ کہتا ہوں. پر نابینا کا اجلاس کرنا تھا، اللہ نے اسی وقت نابینا کر دیا. یہ مقام صحیح تھی.